कल की क्लास हमारी हुई थी, हमने डेविएशन के बारे में बात करी थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन में एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया कि सर ग्राफ में थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दिया था, वो देख लो बच्चों एक बार, है ना। जैसे ये हमारा ग्राफ था, ये हमारा ग्राफ था वेपर प्रेशर वाला। वेपर प्रेशर वाले ग्राफ में पॉजिटिव डेविएशन में, पॉजिटिव डेविएशन में तो हमने क्या करा था, यहाँ पर हमने पी नॉट ए ले लिया था, यहाँ पर पी नॉट बी ले लिया था। ये ग्राफ ऊपर से जा रहा था तो हमने इसको इधर और इसको इधर कर दिया था। ये टेम्परेचर वाला सही था, हमको ये वाला ऐसे बनाना चाहिए था, ठीक है। तो आप वहाँ पर अपने नोट्स में करेक्शन कर लीजिएगा इसको कि ये ऐसे बनेगा, ठीक है। मैंने इसको नीचे और इसको नीचे बना दिया था। वो क्या है कि कई तरह के ग्राफ बना रहे थे, उसी में टेम्परेचर भी बना रहे थे, उसी में प्रेशर भी बना रहे थे, और बन गया होगा भाई आई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई के बारे में जानकारी लेते हैं। आई इज इक्वल टू था क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसो आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। अब हमारा जो एक और फॉर्मूला होता है वो होता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी एक फॉर्मूला है, या एक फॉर्मूला और भी होता है इसका, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूले होते हैं, इन दोनों फार्मूलों को भी याद रखिए, लेकिन जब तक अभी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात ना कर लें तब तक इन फार्मूलों का तो कोई मतलब है नहीं। फार्मूला इसलिए पहले लिखा दिया ताकि आप याद रखेंगे इसको, तो आपके पास वांट ऑफ फैक्टर के सारे फार्मूले क्या रहेंगे, एक ही जगह पर रहेंगे, ठीक। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो वांट ऑफ फैक्टर है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट ओनली, नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। केवल सोल्यूट की प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो हमारा पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था क्या, ये था पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को हम कैसे लिखेंगे, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, ठीक है। अब यहाँ पर आई जो होगा, आई ये आई है, ये आई है, आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है, सोल्यूट की प्रॉपर्टी है, तो सोल्यूट के मोल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अल्फा इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, Na2SO4, KCl, etc.
for strong electrolyte. Alpha is assumed to be 1. Assumed to be 1. For a strong electrolyte, alpha is assumed to be 1. लेकिन ये तब तक होगा जब तक कि अल्फा दिया ना हो, अल्फा दिया ना हो, ठीक है? See the value of alpha at different concentration of salt in NCERT. अब देखिए सी द वैल्यू ऑफ अल्फा एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन एनसीईआरटी. जैसे जैसे कंसंट्रेशन को घटाते जाते हैं, मैंने बोला डाइल्यूशन को क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं. कंसंट्रेशन को घटाएंगे तो डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो अल्फा बढ़ेगा. हम ये मान के चलते हैं कि NaCl के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होगी. अल्फा की वैल्यू 1 होगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. नंबर ऑफ आयन इसके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे. इसके नंबर ऑफ आयन 3 हो जाएंगे. इसके नंबर ऑफ आयन 2 हो जाएंगे. तो जो नंबर ऑफ आयन होगा वही हम नंबर आई की वैल्यू बोल देंगे. लेकिन एनसीईआरटी ये कहता है कि कंसंट्रेशन पे ये बात डिपेंड करती है. आप डायरेक्ट NaCl का 2 नहीं बोल सकते, आप डायरेक्ट NaCl का 2 नहीं बोल सकते, या डायरेक्ट Na2SO4 का 3 नहीं बोल सकते. कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. अगर आपको कंसंट्रेशन की कोई बात नहीं आ रही है तब आप 2 सीधे बोल दीजिए, और अगर आ रही है तब आपको ये देखना पड़ेगा एनसीईआरटी का ये डाटा. एनसीईआरटी के उस सॉल्यूशन वाले चैप्टर पे चले जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा डेटा. इसका मैं डेटा लिखवा भी सकता हूँ, पर एनसीईआरटी का डेटा लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप परसेंटेज याद नहीं करना है आपको. तो यहाँ ये जान के मान के चलिए कि जो आई की वैल्यू है, इफ अल्फा इज नॉट मेंशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देन इट इज एज्यूम टू बी 1 एंड द वैल्यू of I is equal to number of ions. यह तब होगा जब mention नहीं होगा. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम salt ले लेते हैं या compound ले लेते हैं या electrolyte ले लेते हैं और यहाँ पे I की value लिख देते हैं. जैसे NaCl है तो NaCl कितने आयन देगा, 2, तो I की value कितनी हो जाएगी, 2. डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में डेटा दिया है कि NaCl की अलग अलग कंसंट्रेशन पे आई की वैल्यू अलग अलग दी हुई है. वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जब होगा तभी आई की वैल्यू 2 मानते हैं, लेकिन जब कुछ दिया ही नहीं हो तो 2 मान लेते हैं. जैसे Na2SO4 है तो क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे. KCl है तो कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे. तो इस तरीके से अगर आपको कोई सॉल्ट दिया है तो आप उसको सीधे मान सकते हैं कि क्या इसका होगा. जैसे आपको MgNO3 ट्वाइस दिया हो तो यहाँ आप 3 मान लेंगे. 3 आयन देता है तो 3 मान लेंगे, 2 आयन देता है तो 2 मान लेंगे, एक आयन तो देगा जी, ठीक है. अब अब जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज कोई आयन नहीं देता, यूरिया कोई आयन नहीं देता, सुक्रोज कोई आयन नहीं देता, तो ये सब क्या माने जाएंगे, 1 माने जाएंगे. इनका आई की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी. समझ गए? तो आइए थोड़ा सा कोनिगेटिव प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते हैं.
एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, इसमें क्या है कि 60 ग्राम CH3COOH डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है 300 टोर, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इफ परसेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH इज 60%। मतलब परसेंट ऑफ अल्फा, परसेंट ऑफ डिसोसिएशन, मतलब परसेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू 100 होता है। तो ये आपको कितना दिया है, 60 अल्फा इंटू 100, तो अल्फा कितना आ गया आपका, 60/100 कितना आ गया, 0.6। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अल्फा की वैल्यू तो हमेशा 1 पे निकलती है, परसेंटेज अगर देता है तो आप 1 का 60% निकाल लीजिए, वो क्या आ जाएगा, पता चल जाएगा कि अल्फा की वैल्यू क्या है। तो आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। सबसे पहले आपने अल्फा की वैल्यू निकाल दी, अब आपने थोड़ा CH3COOH को तोड़ दिया CH3COO- प्लस एच प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1, तो ये आ गया 1 प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आपने निकाली 0.6, तो आ गया 1.6। आई की वैल्यू आ गई कितनी, 1.6। अब आपने लिया पी नॉट ए माइनस पी ए बोलिए चाहे एस बोलिए, एक ही बात है, क्योंकि एक जो है पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, आई एन बी अपॉन आई एन बी प्लस एन ए। अच्छा, आई का मल्टीप्लाई केवल एन बी में इसलिए हो रहा है क्योंकि आई जो है वांट ऑफ फैक्टर इज द प्रॉपर इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट पे ही आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारा जो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा 300, ये हमारा हो गया पी एस अपॉन क्या हो गया 300 इज इक्वल टू, आई की वैल्यू है हमारी 1.6। एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH, तो CH3COOH का मॉलिकुलर मास कितना होता है, 60 ग्राम भी कितना दिया है, 60। तो एन बी की वैल्यू अगर आप निकालते हैं यहाँ पर तो वो हो जाएगा 60/60, और एन ए सॉल्वेंट की निकालते हैं तो हो जाएगा 90/18, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन 1.6 इंटू 1 प्लस 5, ये आ गया। अब आपने इसको सॉल्व किया 1.6 को इंटू 300 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 300, भाई ये मल्टीप्लाई हुआ ना, ठीक है, इंटू कितना, फिफ्टीन हंड्रेड माइनस, अरे हम यार ये क्यों कर रहे हैं, हम ये 1.6 और 5 जोड़ देते हैं ना, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, 1.6 एंड 5 कितना हो गया 6.6, तो ये क्या हो गया 6.6 पी एस, ये कैलकुलेशन में पी एस को इधर ले आए। अच्छा, ये इससे कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आए तो कितना आ गया 1500 अपॉन 6.6, ठीक है। तो ये इधर आ गया तो कितना आ गया 6.6 पी एस इज इक्वल टू 1500, तो पी एस इज इक्वल टू 1500 अपॉन 6.6। अब जो भी वैल्यू आए, जो भी वैल्यू आए तो वो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया
जिसमें आपको ये पता चले कि वांट ऑफ फैक्टर का यूज करके आप कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन की। अब देखिए बात करते हैं किसकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, दूसरा हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए आपको ज़रूरत है एक फेज डायग्राम, फेजर डायग्राम भी बोलते हैं, फेज डायग्राम को समझने की। लेकिन जो ये फेज डायग्राम मैंने बनाया है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आपको फिजिक्स के बुक में मिलेगा, HC वर्मा की बुक सभी के पास होती है, उसमें आप देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा, ये थर्मोडाइनमिक्स के चैप्टर में ट्रिपल पॉइंट वहीं दिया है, हमारे यहाँ ट्रिपल पॉइंट नहीं दिया रहता। तो मैंने आपको समझाया कि ये होता क्या है। एक्चुअली मैं फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम टीचर तो जो है साइंस के हैं, तो अगर साइंस के टीचर हैं तो हमें थोड़ा बहुत फिजिक्स भी आना चाहिए। तो अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस फेजेस, फेजेस का मतलब है सॉलिड लिक्विड गैस, ऑफ गिवन सब्सटेंस अंडर गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज फेज डायग्राम। अब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों इक्विलिब्रियम पे हों, किसी भी का वाटर को मान लीजिए, ये वाटर के लिए लिया है हमने, ये हमारा किसके लिए, फॉर वाटर, ये हमने फॉर वाटर ले लिया। तो वाटर का आप जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 सेल्सियस। ये क्या है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर 0.1 सेल्सियस जिस पर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों इक्विलिब्रियम पे होता है, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। अब होता क्या है, इस डायग्राम को ध्यान से देखें अगर, तो इस डायग्राम को हमने ऊपर ऐसे मिलाया तो यहाँ कहीं कट किया, जहाँ कट किया वहाँ वेपर है, वेपर जिस टेम्परेचर पे बन जाएगा, मतलब 100 से बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो हमने ये प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना दिया, ठीक है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगता है तो वो 0 सेल्सियस हो गया, वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में तीन पार्ट है, जैसे ये लिक्विड, ये सॉलिड, ये गैस, ये तो तीन लाइन है। अब तीनों लाइन का अपना अपना एरिया है, जैसे ये एरिया, तो ये एरिया में लिक्विड और गैस ही केवल रहेंगे, इस एरिया में केवल सॉलिड एंड लिक्विड ही केवल रहेगा, और इस एरिया में केवल सॉलिड एंड गैस ही केवल रहेगा। अब देखो, अब हम मेन अपने ग्राफ पर आ गए हैं। तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट के ग्राफ की बात करते हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले फेज डायग्राम में देखा था कि जो गैस वाला था वो ऐसे आ रहा था, लिक्विड वाला ऐसे आ रहा था, और सॉलिड वाला नीचे से आ रहा था। तो सॉलिड वाले की बात तो अभी हम फ्रीजिंग पॉइंट में करेंगे। अभी जो हमारा ऐसे आ रहा था उसी ग्राफ को हमने यहाँ पे दिखाया, उसमें से एक पार्ट को ले लिया। केवल सॉल्वेंट जब होगा, मतलब कुछ और मिलाया नहीं आपने, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आपने नहीं मिलाया, उस केस में सॉल्वेंट का अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसको हम प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को TB नॉट मान रहे हैं, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, 180 हमने ले लिया, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर बोल सकते हैं, लेकिन हम सी लेवल पे मान रहे हैं 180 है, जो कि हर जगह पे आइडियल हो जाएगा, बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग शहर में फिर अलग अलग होने लगेगा, ठीक है। अब दूसरा ये है कि दूसरे में हमने क्या करा, सोल्यूट मिला दिया, तो जो सॉल्वेंट था वो तो यही था, यही वाला, लेकिन जब सोल्यूशन बनाया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया। अब बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया, जैसे आप अगर कहें कि सर ये चीज़ ठीक है ये मान लेंगे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया, अगर आप इसको समझा सके तो, बेशक समझाने के लिए तो मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि ऐसा कुछ चीज़ ही नहीं है कि जो मैं समझा ना पाऊँ, बस आपको उस पास समय होना चाहिए, मज़ा आता है मुझे इसमें। अब देखिए, मान लीजिए कि एक ग्लास है जिस पर 10 मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे थे पानी के, 10 मान लेते हैं,
पता नहीं कितने मॉलिक्यूल 10^20-25 मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे होंगे, लेकिन हम मानते थे कि एक बार में 10 मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे हैं जब पानी आपने प्योर पानी लिया था। लेकिन जब आपने उसमें ग्लूकोज डाल दिया तो वो जो 10 मॉलिक्यूल थे उसमें से कुछ मॉलिक्यूल की जगह ग्लूकोज ने ले ली, जो कि वेपराइज नहीं हो रहा है। अब वो जो मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे थे वो कितने हो रहे हैं, आप 7 मान लेते कि 7 मॉलिक्यूल अब वेपराइज हो रहे हैं। तो जब 7 मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे हैं तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे थे तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था। अब जब 7 मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे हैं और हमको सेम टाइम में 10 मॉलिक्यूल वेपराइज करना है तो हमको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना होगा ताकि ज़्यादा वेपर का मॉलिक्यूल बने। तो वही जो थोड़ा सा टेम्परेचर आपने बढ़ाया है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही थोड़ा सा टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। तो जो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है तो ये टीबी जो है वो क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और टीबी नॉट क्या है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है। अब ये जो टीबी डेल्टा टीबी होता है ये सॉल्यूशन की मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्यूशन की मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का मार्क हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं केबी से। इस कांस्टेंट का नाम इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट है। क्या नाम है, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। स्पेलिंग देख लेते हैं, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। या इसको मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोला जाता है। लेकिन ये तब तक ये फॉर्मूले का आप यूज करेंगे जब तक कि आपका सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट ना होता हो, वरना जो परफेक्ट फॉर्मूला है वो है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। ये है परफेक्ट फॉर्मूला। अब अगर डिसोसिएट नहीं होता है तो आई की वैल्यू 1 रख दो, ये आ जाएगा, और अगर डिसोसिएट होता है तो आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, और अगर एसोसिएट होता है तो आई की वैल्यू 1 से कम होगी। समझ पा रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कुछ बातें केबी के लिए हैं जो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ। अब देखिए केबी की बात करते हैं, केबी की यूनिट क्या है, तो केबी की यूनिट है केल्विन किलोग्राम पर मोल या सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आपसे क्वेश्चन ये डिटरमाइन करने को नहीं पूछता, आपसे ये पूछता है कि कौन सा मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है। तो उस मेथड का नाम लैंड्सबर्गर मेथड है, बर्जर या बर्गर, भाई नाम अंग्रेजों के कुछ अजीब ही टाइप होते हैं। वैल्यू ऑफ केबी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन इन द प्रॉब्लम, गिवन या तो गिवन होगा प्रॉब्लम में या तो फिर इस फॉर्मूले से निकालना भी पड़ सकता है, गिवन इन द प्रॉब्लम, एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट। क्योंकि देखिए हर सॉल्वेंट का मॉलिकुलर मास अलग होगा, हर सॉल्वेंट का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अलग होगा, तो हर सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू भी अलग होगी, ठीक है। अब जो टीबी नॉट है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन इसको लेना किसमें है, केल्विन में। डेल्टा एच वी ए पी मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, और वैल्यू ऑफ आर इज डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ डेल्टा एच वी ए पी। अब मान लीजिए कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपको जूल में दिया है तो आर की वैल्यू 8.314 हो जाएगी, लिख लीजिएगा कहीं पर कि
अगर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जूल में दिया है तो आर की वैल्यू 8.314 हो जाएगी, और अगर कैलोरी में दिया है तो आर की वैल्यू 1.98, जिसको आप 2 बोल सकते हैं, आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ये इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है उसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है कि इट इज़ द चेंज इन हीट व्हेन वन मोल लिक्विड कम्प्लीटली वेपराइज्ड, वन मोल लिक्विड कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू वेपर, तो वन मोल पे होता है ये। जो डेल्टा एच वेपराइजेशन है इसकी यूनिट जो होती है वो जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल होती है। लेकिन मान लीजिए कि पर मोल की जगह पे आपको पर ग्राम दे दे, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पर मोल की जगह पर क्या दे दे आपको, पर ग्राम दे दे, तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो उस केस में आप जानते रहिए ऐसे लिख लीजिएगा कि इफ डेल्टा एच वी ए पी या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गिवन पर ग्राम, ठीक है, तो उसमें डेल्टा एच वेपराइजेशन आप कैसे निकाल, डेल्टा एच वेपराइजेशन पर मोल, ठीक है, ये डेल्टा एच वेपराइजेशन पर मोल ही है, ये क्या है, डेल्टा एच वेपराइजेशन पर मोल ही है भाई, इस फॉर्मूले में तो आपको पर मोल ही रखना है। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन पर मोल क्या होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन पर ग्राम इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये जो पर ग्राम होता है ये कभी कभी पर ग्राम वैल्यू ना देकर इसकी इसका एक और नाम दे देते हैं जिसका नाम है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हो सकता है कि आपको लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे दे, तो इसका मतलब है कि पर ग्राम दे दिया, तो आप उसमें क्या करिए मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करके ये वाला बना लीजिए, और जब आप ये वाला बना लेते हैं तो उसके बाद तो फिर फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, यूनिट से आप आर की वैल्यू आप निकाल लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं। तो कैलकुलेट ऑफ केबी ऑफ वाटर, कैलकुलेट केबी ऑफ वाटर इफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट दे दिया आपको, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या हो जाएगा आपका, 540 इंटू कितना 18, क्योंकि मॉलिकुलर मास कितना 18 है। अब केबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी इज इक्वल टू, अब R की वैल्यू देखिए ये कैलोरी में दिया है तो R की वैल्यू आप 2 ले लेंगे, 373 बॉइलिंग पॉइंट है, इसका स्क्वायर कर देंगे, मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना है 18 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना है 540 है इंटू कितना है 18 है, 18 से तो 18 कैंसिल हो गया, 18 से तो 18 कैंसिल हो गया, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा क्या है 0.52 एक्चुअली याद है वाटर के लिए यही होता ही है, तो फॉर वाटर कहीं याद कर लीजिएगा, फॉर वाटर के बी इज इक्वल टू 0.52, हाँ दिया नहीं हो 0.52 से सॉल्व करिए, दिया हो तो जो दिया हो उसी से सॉल्व करिएगा, ये नहीं कि आप 0.52 से सॉल्व कर दे, जो दिया हो तो दिया हो दिए वाले से आप क्या करिएगा सॉल्व करिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखिएगा फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय सॉल्विंग
60 ग्राम यूरिया एंड 200 ग्राम वाटर, केबी ऑफ वाटर इज 0.52। वाटर का केबी कितना है? 0.52। सॉल्यूशन की बात करें तो क्वेश्चन में हमें लेना है क्या, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। आई इज इक्वल टू 1 है फॉर यूरिया। यूरिया का मॉलिकुलर मास 60 होता है, यूरिया का मॉलिकुलर मास क्या होता है 60। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1 इंटू 0.52 इंटू एम। एम कितना है? यूरिया का मास 60, मॉलिकुलर मास 60, सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में चाहिए 200 ग्राम इंटू ऊपर क्या कर दिया हमने, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया कितना 5। टू पॉइंट सिक्स डेल्टा टीबी आ गया, 2.6 क्या आ गया डेल्टा टीबी। अब हम जानते हैं कि टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू क्या है, 2.6 है। टीबी इज इक्वल टू 2.6 प्लस टीबी नॉट है। अब आप यहां ये बात का ध्यान रखें कि अगर आप यहां केल्विन में रखते 373 तो आप इसको जोड़ दीजिए केल्विन में आंसर आ जाएगा। अगर आप सेल्सियस में रखते तो आप इसको जोड़ दीजिए सेल्सियस में आ जाएगा, क्योंकि चेंज जो होता है वो सेल्सियस और केल्विन का सेम होता है। चेंज जो होता है वो सेल्सियस और केल्विन का सेम होता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, 0 सेल्सियस एंड 5 सेल्सियस या 27 सेल्सियस, ठीक है, ये कितना है? यहां पे चेंज आपने निकाला तो कितना आया, 27 भाई, हायर माइनस लोअर घटा दिया आपने। केल्विन में ये 273 है और ये कितना है, 300 है। यहां पे भी आपने चेंज निकाला तो कितना आया, 27 है। तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर को सेल्सियस में रखिए चाहे केल्विन में रखिए। हाँ, के बी की वैल्यू कैलकुलेट करते समय आर इज आर इंटू टी बी नॉट स्क्वायर, वो वाले फॉर्मूले में आपको केल्विन में रखना है। यहाँ पर आप केल्विन में रखिए चाहे सेल्सियस में रखिए, आपका आंसर आ जाए। अब आपको ये देखा जाता है कि ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस होता है तो 2.6 प्लस 100 तो ये कितना हो जाएगा, 102.6 सेल्सियस। ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें इस पे। एक और क्वेश्चन करते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन W/W of NaCl NaCl find boiling point of solution। KB of water दिया है 0.52, ठीक है। तो अब अगर आपको सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, सोल्यूशन ये सोल्यूशन तो सॉल्व वाला सोल्यूशन है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी बी निकालना होगा। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। अब आई की वैल्यू कितनी है, 2 फॉर NaCl। क्यों क्यों है, दो से कम हो सकता है,
दो से कम हो सकता है, 100% डिसोसिएशन नहीं भी हो सकता है। लेकिन क्या आपको किसी तरह का परसेंटेज दिया हुआ है? नहीं दिया है तो मैंने बोला था कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को अगर नहीं दिया है तो फिर कम्प्लीटली आयोनाइज माना जाएगा, अल्फा की वैल्यू वन मानी जाएगी। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू वन मानी जाएगी तो फिर आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ आयन, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ आयन। तो ये दो हो गया, तो हमने यहाँ पर दो रख दिया, 0.52 रख दिया। एम की वैल्यू, हमारी एम की वैल्यू ये 5.85 कौन है, सोल्यूट है, NaCl है, 58.5 इसका मॉलिकुलर मास है। अच्छा, सॉल्वेंट यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसका मास कितना होगा, तो सॉल्वेंट का मास होगा 100 - 5.85, तो 100 में से 5.85 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 94, तो ये 94.15 और ऊपर क्या करा आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया क्या डेल्टा टीबी। अब जब डेल्टा टीबी आ गया आपका तो टीबी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 100 सेल्सियस उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी जोड़ दिया जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेल्सियस, ये सॉल्वेंट सेल्सियस में रखिए तो जो भी ये वैल्यू है सीधे सेल्सियस में आंसर आ जाएगा, अगर ये केल्विन में रखते हैं जो भी वैल्यू है सीधे केल्विन में आंसर आ जाएगा। तो ये आप सॉल्व कर दीजिएगा, टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, अब देखिए क्वेश्चन में मुझे पॉज करके बार बार करना पड़ रहा है, एक्चुअली मेरा बेटा बैठता है लेकिन वो इतनी देर तक बैठ नहीं पाता ना लेक्चर बनाते समय, छोटा है तो खेलने कूदने में मन लगा रहता है। अब अगर आप 3% W/W क्या है, यूरिया है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू की बी इंटू क्या है, एम है, आई इंटू एम है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आई जो होता है वो सोल्यूट की प्रॉपर्टी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी करके मतलब के बी हमारा कितना है, 0.52 है। अब हमारा एक एक करके बात करते हैं, 3% तो 3/60 ये हो गया मोल्स ऑफ यूरिया प्लस 2 × 5.85 / 58.5 ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल इन NaCl, तो NaCl में तो एक NaCl दो देता है ना, तो I की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, दो हो गई। यहाँ पर आप करना चाहे तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो 1 × 3/60, ठीक है। अच्छा, MgCl2 में क्या होगा, 3 × 9.5 / 95 / टोटल सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्वेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 5.85, 3.00, 9.50 इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक है, 18.35 आ गया। अब 100 में से 18.35 माइनस कर दो तो ये 81.65 आ जाएगा, तो 81.65 ग्राम कौन है, सॉल्वेंट है, लेकिन सॉल्वेंट का मास तो ग्राम में हो गया, आपको किस में चाहिए, किलोग्राम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो आपके डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी,
डेल्टा टीवी की वैल्यू आएगी यहाँ पर, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, मेरी नोट्स का क्वेश्चन है, तो ये 3.7 है। तो अब टीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस 3.7 इज इक्वल टू 103.7 सेल्सियस। समझ गए, एक और क्वेश्चन दे या अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखिए बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आज तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तक बढ़ा देंगे। तो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफसी डिनोट करते हैं। ये लाइन सॉल्वेंट की आ रही है, ये लाइन सॉल्यूशन की आ रही है। आगे जाके ये भाई ये लिक्विड, अभी लिक्विड फॉर्म में है और आगे जाकर यहाँ पर सॉलिड बन जाते हैं। जहाँ सॉलिड बनते हैं वहाँ फ्रीज हो जाते हैं। सॉल्वेंट अगर अकेला रहता, सोल्यूट उसमें नहीं रहता, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ नॉट होता। लेकिन सॉल्यूशन बनाने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है, जो इतना हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर ये बताया जाए कि सर फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट आपने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट भी बता दीजिए कि फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है। तो देखिए होता क्या है कि जब हम पानी ले लीजिए, मान लीजिए पानी ले लिए, अब पानी जब हम बॉयल करते हैं, सॉरी फ्रीज करते हैं, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आकर चिपक जाता है। मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आकर चिपक जाता है, शांति से बैठो। और जब हम उसके अंदर कोई सोल्यूट डाल देते हैं, मान लीजिए आपने ग्लूकोज डाल दिया, तो पानी के बीच में ग्लूकोज आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे साथ कोई है और वो जो है छोटू इधर आओ, अरे आओ 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 आओ, तुम भी जान पहचान हो जाएगी तुम्हारे साथ लोगों की, आओ। जैसे ये मेरा बेटा है, ठीक है, तो अब ये भी वाटर का मॉलिक्यूल, मैं भी वाटर का मॉलिक्यूल, हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि हमारे बीच में कोई आ जाए तो हमारा कांटेक्ट टूटेगा, तो इसके लिए हमको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा कि हम अपने कॉन्टैक्ट को बना पाए। बीच में ग्लूकोज है तो कॉन्टैक्ट बनाने के लिए हमें क्या होगा कि थोड़ा और ठंडा होना पड़ेगा, थोड़ा और काइनेटिक एनर्जी हमारी कम करनी पड़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी कम करने के लिए फिर क्या होगा कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हमको जो है थोड़ा और नीचे टेम्परेचर पे जाना होगा, तो इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। अब इसको डेल्टा टीएफ बोलते हैं, जितना चेंज हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज़्यादा था, सोल्यूशन का कम है, तो हमेशा चेंज क्या होता है, हायर माइनस लोअर, तो हायर माइनस लोअर कट आती है। अब आप जैसे डेल्टा टीवी था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम था, वैसे ही डेल्टा टीएफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एम है। और डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ इनटू एम, जैसे के भी था वैसे के एफ है। के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या जैसे वहाँ पर था इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ पर है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, समझ पा रहे। अब देखिए के एफ ऑफ वाटर 1.86 होता है, याद कर लीजिए, निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आप जान ही रहे हैं कि जैसे के बी के लिए निकाला था वैसे के एफ के लिए है, बस चेंज क्या है कि टी बी की जगह पे टी एफ है और डेल्टा एच वेपराइजेशन की जगह पे डेल्टा एच फ्यूजन है। क्या है डेल्टा एच फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोर लिक्विड इनटू सॉलिड। वैसे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता, एनर्जी रिलीज्ड होता है, ठीक है, लिक्विड इनटू सॉलिड। अच्छा टी एफ नॉट जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन इस फॉर्मूले में उसको केल्विन में लेना होता है। आर की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, यूनिट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पे, जैसे कि वहां पर की थी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको कराते हैं यहां पर, एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। एक क्वेश्चन कराने से पहले एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि डेल्टा टीएफ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय बैकमैन्स
मेथड। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन बाई बैकमैन्स मेथड। क्वेश्चन लेते हैं, 28.4 ग्राम Na2SO4 0.75, अल्फा की वैल्यू 0.75 है। 28.4 Na2SO4 डिजॉल्व इन 200 ग्राम वाटर। फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन Kf of water is equal to 1.86। ये वैल्यू है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले Na2SO4 को तोड़ देते हैं, तो माइनस में। अब यहां पर 1 माइनस अल्फा, ये 2 अल्फा और ये अल्फा, तो I की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो I इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 2 अल्फा और ये आ गया 1 प्लस 2 इंटू 0.75। 0.75 1.5 हो, तो 1.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2.5। तो ये I की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 हमारी आ गई। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। ध्यान रखिएगा कि I की वैल्यू 2.5 है। अब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इन टू एम। आई की वैल्यू 2.5 है, के एफ की वैल्यू 1.86 है। एम की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका 242 इसका मॉलिकुलर मास है। सॉल्वेंट 200 ग्राम है, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 1 होगा। इसका मतलब 2.5 का 1.86 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा, तो ये हो गया 4.65। वैल्यू लिख रखी है मैंने, कैलकुलेशन किया हुआ है, क्वेश्चन अपने नोट्स का दिया हुआ है, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 4.65, ठीक है। अब ये तो आ गया डेल्टा टी एफ, लेकिन अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टी एफ। तो टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ माइनस टी एफ नॉट हो जाएगा, नहीं सॉरी, टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ हो जाएगा, है ना। देखिए फॉर्मूला तो ये था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है, समझ गए। तो अब आप इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, ये समझ गए। अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0। अगर आप सेल्सियस में निकाल रहे हैं तो, और डेल्टा टी एफ आपने निकाला 4.65, तो 0 में से 4.65 निकालेंगे तो आएगा कितना, -4.65 सेल्सियस। मतलब 0 से नीचे जाएगा, माइनस में आ जाएगा टी एफ की वैल्यू। अगर आप केल्विन में निकालना चाहते हैं तो इसको 273 लिखिए, ये लिखिए 4.65, जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि 4.65 घटाएंगे 273 में से तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो वो केल्विन में आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आंसर किस में आपको दिया हुआ है, सेल्सियस में या केल्विन में। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर डेल्टा टीबी ज़्यादा है तो टीबी भी ज़्यादा है, लेकिन अगर डेल्टा टीएफ ज़्यादा है तो टीएफ कम होगा। डेल्टा टीबी ज़्यादा तो टीबी ज़्यादा, क्योंकि टीबी नॉट में डेल्टा टीबी ऐड होके बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का मिल रहा था, लेकिन डेल्टा टीएफ अगर ज़्यादा तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से डेल्टा टी एफ घटाने के बाद, कम करने के बाद ही मिल रहा है।
तो ये जितना ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा इसमें से कम माइनस किया जाएगा, और जितना ज्यादा माइनस किया जाएगा ये वैल्यू उतनी ही कम आएगी। तो वैल्यू कम आएगी तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कुछ चीजें और बताते हैं आपको। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 0.1 mm NaCl एंड 0.1 mm यूरिया, 0.1 mm NaCl है, 0.1 mm यूरिया। इसको हमने मान लिया A और इस सॉल्यूशन को हमने मान लिया क्या B। एक सॉल्यूशन को A मान लिया, एक सॉल्यूशन को B मान लिया। अच्छा चलो, यहाँ पर अब क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताना है आपको, आपको डेल्टा टी बी बताना है, डेल्टा टी एफ बताना है, वेपर प्रेशर बताना है, टी बी बताना है, टी एफ बताना है। ये इतनी चीज़ें बतानी है कि किसका ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि वैल्यू दी नहीं हुई तो आई की वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। मोलारिटी दोनों की सेम है, कंसंट्रेशन दोनों का सेम है। अब आई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा जितना कि पार्टिकल ज़्यादा होगा। तो मतलब ए का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेल्टा टी बी ए का ज़्यादा होगा किससे, बी से। डेल्टा टी एफ ए का ज़्यादा होगा किससे, बी से। वाइपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, तो वाइपर प्रेशर ज़्यादा होगा किसका, बी का ज़्यादा होगा ए से, क्योंकि लोअरिंग जितना ज़्यादा होगा वाइपर प्रेशर उतना कम होगा। भाई जितना घट जाएगा तो लोअरिंग जितना ज़्यादा होगा वाइपर प्रेशर उतना कम होगा। तो सोल्यूशन का वाइपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, बी का ज़्यादा होगा किससे, ए से। अच्छा चलो, मैंने तो ये पूछा ही नहीं लेकिन मैंने अपने इसमें पूछ लिया है। तो अब टी बी एंड टी एफ, मैंने बोला कि डेल्टा टी बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन है, टी बी है, मतलब ए का ज़्यादा होगा बी से, लेकिन डेल्टा टी एफ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, तो बी का ज़्यादा होगा किससे, ए से। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आई दोनों का बराबर है तो फिर ये देखना है कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, और अगर कंसंट्रेशन दोनों का बराबर है तो ये देखना है आई किसका ज़्यादा है, और मान लो दोनों अलग अलग है तो ये देखना है आई इंटू कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, आई इंटू कंसंट्रेशन देख लेना है कि किसका ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाने के लिए हमको थोड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी, जैसा कि मैं, मेरी आदत है भूमिका बनाना, तो हम भूमिका बनाएंगे अगली क्लास में। इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, नमस्कार।